अब हम देख चुके हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को नंबर में प्रेजेंट करना ज्यादा आसान होता है, ना कि उसके मासेस में। मास में करना उतना आसान नहीं है, नंबर में करना आसान है। ठीक है, तो अब हम किस पे मूव करेंगे? नंबर पे। जैसे कि क्या था, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलके दो मॉलिक्यूल वाटर बनाया। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि एक एक मॉलिक्यूल या एक एक एटम बहुत 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 छोटे हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए हम मोल में जा रहे हैं। सो अ न्यू यूनिट मोल वाज इंट्रोड्यूस, तो एक नई यूनिट क्या बनाई गई? मोल। मोल मोल इतनी बड़ी यूनिट क्यों है? क्योंकि एटम बहुत छोटे हैं, एटम बहुत छोटे हैं, तो अगर मोल से कम हम लेंगे तो हमें कभी दिख भी नहीं पाएंगे। तो अगर हम एक या दो एटम देखेंगे तो बनाएंगे रिएक्शन में, तो कभी हमें दिखेंगे नहीं। जब तक हम एक या दो मोल नहीं बनाते तब तक हमें दिखते रहेंगे। वन मोल ऑफ एनी स्पीशीज, देखो अब मोल की डेफिनेशन आ रही है यहाँ पे। वन मोल ऑफ एनी स्पीशीज, स्पीशीज क्या हो सकती है? एटम हो सकते हैं हमारे, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या पार्टिकल हो सकते हैं। इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो देखो ये मोल की डेफिनेशन है, मोल की डेफिनेशन है। अभी इस डेफिनेशन को अभी रुकते हैं, 1 मिनट होल्ड करेंगे डेफिनेशन, अभी हम ये बाद में पढ़ेंगे, तब तक हम इसके आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयरन आयंस हो सकते हैं, प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड। तो जैसे डजन में थे, फिक्स थे ना, तो कितने थे ये? 6.02 × 10²³। इस 2 को भूल जाओ, एक टू इस ये सफिशियंट है, दूसरा 2 की जरूरत नहीं है। तो 6.02 × 10²³। तो ये डिस्कशन हम अच्छे से कर चुके हैं, ये डिस्कशन हम अच्छे से कर चुके हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, या आयन्स हो, प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड, और वो कितने होते हैं? 6.02 × 10²³। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू। तो ये कैसे निकाली गई है? एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से नंबर निकाला गया है। ठीक है, अभी अभी सीखेंगे कि क्यों। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट, तो इस या एवोगैड्रो नंबर, तो इस नंबर को क्या नाम है? एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इसको किससे दिखाते हैं? एन जीरो से, एन जीरो से दिखाते हैं। एन के साइड में देखो, सबस्क्रिप्ट में एक छोटा सा जीरो है, और इसका नाम क्या है नंबर का? एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। किसके नेम्ड इन ऑनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट? इटालियन साइंटिस्ट कौन थे? एमिडियो एवोगैड्रो, उनके नाम पे इसका नाम है एवोगैड्रो नंबर। कोई दिक्कत अभी तक? नहीं। मोल वाले नंबर के हम बारे में पढ़ चुके थे, मोल वाला नंबर क्या था? 6.02 × 10²³। किसने किसके नाम पे है? एवोगैड्रो के नाम पे, उन्होंने इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो कौन थे? इटालियन साइंटिस्ट थे। नंबर अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो यहां, देखो जैसे एक मोल किसी भी चीज का हो तो वो क्या होगा? 6.02 × 10²³ इन नंबर। ठीक है, जैसे एक डजन क्या था? 12 था, तो एक मोल कितना था? 6.02 × 10²³। ठीक है, ऐसे ही करके एक और यूनिट होती है ग्रॉस। ग्रॉस जो है 144 होता है, तो ग्रॉस क्या हो गया? 144। मोल कितना हुआ? मोल एक बहुत बड़ा नंबर होता है, बट ये होता क्या है? नंबर। अब इसकी डेफिनेशन में आते हैं, डेफिनेशन में आते हैं। डेफिनेशन जो है इसकी बड़ी अलग टाइप की है। देखो यहां पे देखो लिखा है, वन मोल ऑफ एनी स्पीशीज, किसी भी चीज का एक मोल, किसी भी चीज का एक मोल। अभी ये भूल जाते हैं, ये वर्ड भूल जाते हैं। Is that quantity, वो क्वांटिटी है इन नंबर, किसमें? नंबर में। नंबर क्या था? 6.02 × 10²³, having a mass, जिसका मास क्या है? Equal to its atomic mass और molecular mass in grams, जिसका मास क्या है? Atomic mass के या molecular mass के बराबर है grams में। अभी समझते हैं क्या है। तब तक आप लोग ये इसको मोल मोल वर्ड लिख के, मोल हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन यहां से लिखना स्टार्ट करो, मोल हेडिंग डालो, वन मोल ऑफ एनी स्पीशीज, और यहां ब्रैकेट में लिखो एटम्स, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, या पार्टिकल्स हो सकते हैं।
इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। ठीक है, अब इसे समझते हैं, अभी समझने के बाद अच्छे से समझ पाएगा। अभी हमने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना था एक एटम का, 1U था। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर हम इसका एक मोल ले लें, ठीक है, एक मोल हाइड्रोजन ले लें, और अभी ध्यान रखना अभी हम सिंगल सिंगल हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो ये क्या है, हाइड्रोजन एटम, तो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, पार्टिकल भी हो सकते हैं, हम तो मोल ले रहे हैं ना, तो मोल का मतलब क्या हुआ, 6.02 इंटू 10^23, इतने हाइड्रोजन एटम ले ले, इतने हाइड्रोजन एटम ले ले, ठीक है, ये ले लिए, तो इसका मास ग्राम में क्या होगा, इसके इसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो इसका मास जो अगर इतने पार्टिकल हम लेंगे मोल के बराबर, तो इसका एटॉमिक मास कितना है, 1U, तो अब इसका ग्राम में मास कितना हो जाएगा, 1 ग्राम। क्लियर, एक एग्जांपल से हुआ, अभी दूसरा देखेंगे फिर समझ में आएगा। ऑक्सीजन एक लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का मास अपनी टेबल में देखो क्या था, 16U था, ठीक है, अगर इस ऑक्सीजन के 16U था, अगर हम इसका एक मोल ले लें, एक मोल ऑक्सीजन ले लें, ठीक है, ध्यान देना अभी हम एटम ले रहे हैं, अभी हम मॉलिक्यूल नहीं ले रहे, तो एक मोल ऑक्सीजन लेंगे, तो एक मोल ऑक्सीजन में कितने होंगे, 6.02 इंटू 10^23 ऑक्सीजन, इतने ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब इनका मास कितना होगा, 6.02 इंटू 10^20, इसका मास एग्जैक्टली जो एटॉमिक मास है, इसका जो एटॉमिक मास है उतना ही मास ग्राम हो जाएगा, यानी 16 ग्राम। तो अब इस डेफिनेशन को पढ़ो कि वन मोल इज दैट क्वांटिटी इन नंबर, किसमें, नंबर में, तो वन मोल इज दैट क्वांटिटी इन नंबर, तो नंबर क्या है, 6.023, हैविंग अ मास इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो देखो एटॉमिक मास किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, अगर हम इतने ही ले रहे हैं तो ग्राम में, इसमें अगर हम इतने ही एक मोल अगर किसी भी चीज का लेते हैं तो उसका एटॉमिक मास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्राम में, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर। फिर से करते हैं देखो, अब हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन अब की बार क्या लेते हैं, हाइड्रोजन अब की बार मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना था, 2U। अगर हम 1 मोल H2 ले लें, तो ये ध्यान दो अब की बार ये किस में बन गया है, मॉलिक्यूल में, और 1 मोल H2 है, तो यानी कितने होंगे, 6.02 इंटू 10^23 H2, ठीक है, 23 H2। तो अब एक मोल H2 ले लिया, तो इसका मास अगर हम मेजर करेंगे तो कितना होगा, ग्राम में सेम आएगा, तो इसका मास कितना आएगा, 2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था, 2, और यू की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम बस, ठीक है। अब इसी तरीके से हम O2 लेते हैं, एक O कितना था, 16, 2 O कितने हो गए, 32U। अगर हम वन मोल अगर हम क्या लेंगे, O2, तो कितने O2 हो गए हमारे, 6.02 इंटू 10^23 O2, ठीक है, क्योंकि मोल तो सेम रहेगा, बस हमने क्या चीज चेंज कर दी, एटम की जगह अब की बार मॉलिक्यूल ले लिए। तो इसका मास कितना होना चाहिए, ये 32U था, तो 32 क्या हो जाएगा, ग्राम। तो अगर हम इतने एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लें तो कितने होंगे, 32 ग्राम। एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लें तो कितने होंगे, 2 ग्राम। H2O लेके देखो, H2O का जो है मॉलिक्यूल का वेट क्या था, H2O मॉलिक्यूल है ना, इसका वेट कितना था, देखो 16, 17, 18, तो 18U था। तो 1 मोल लिया हमने क्या, H2O, ठीक है, 1 मोल H2O ले लिया हमने, तो 1 मोल H2O कितना हो गया, 6.023 इंटू 10^23, क्या चीज है ये, H2O मॉलिक्यूल है, तो इसका मास कितना होगा, 18 ग्राम। तो ग्राम में जब जो है हम इतने मॉलिक्यूल ले लें कि जो मॉलिक्यूलर मास है या एटॉमिक मास है वो ग्राम में बदल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, 1 मोल।